रिसेंटली मैंने एक रील देखा था एंड अर्पिता मेहता का ब्लैक फॉर समर, लाइक शी हैज लॉन्च SS23 कलेक्शन. और मैंने उसका एक कलेक्शन में से एक ब्लैक लहंगा था. आई रियली रियली लाइक दैट आउटफिट. आई फेल कि मुझे उसकी प्राइस जाननी है, बिकॉज इन फ्यूचर इफ आई वॉन्ट टू वेयर इट फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग और समथिंग, आई शुड बाय दैट. तो आई जस्ट रैंडमली आस्क्ड हर कि क्या है इसकी प्राइस, एंड शी रिप्लाइड द लहंगा प्राइस इज 5,50,000 रुपीज. ओ माई गॉड, मेरा वेडिंग लहंगा भी इतना महंगा नहीं था एंड मैंने कभी इतने महंगे कपड़े नहीं लिए हैं. आई रियली लाइक दैट आउटफिट एंड जब मैंने उसका प्राइस देखा तभी मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई वॉन्ट टू रिक्रिएट दैट लहंगा. वेल कैलकुलेटिंग ऑल द थिंग्स आई रियलाइज देर आर 4 रीजन्स कि वो लहंगा इतना महंगा है. फर्स्टली इट्स अर्पिता मेहता, डिजाइनर लेबल है. सेकेंड इट्स अ मिरर वर्क लहंगा, लाइक अर्पिता मेहता बहुत फेमस है अपने मिरर वर्क डिजाइंस के लिए. शी हैज़ दैट सिग्नेचर ऑन हर आउटफिट्स, उसका सारा जो कलेक्शन होता है उसमें मिरर वर्क होता है. दैट इज़ द अनदर रीज़न कि वो इतना महंगा था. द नंबर 3 इज़ द फैब्रिक, दैट वॉज कस्टमाइज एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक था, वो कहीं से उन्होंने परचेस नहीं किया था या फिर इम्पोर्ट नहीं किया था. दैट वॉज अ कस्टमाइज फैब्रिक, बनवा के लिया था. तो दैट इज अनदर रीजन कि वो इतना महंगा था. एंड नंबर 4 ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द फील एंड द टेक्स्चर ऑफ द फैब्रिक एंड एवरीथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डिजाइनर लेबल. तो दिस वॉज द 4 रीजन्स जो मुझे लगा कि ये लहंगा इतना महंगा है. एंड टू डिकोड ऑल दिस 4 थिंग इन टू माई बजट इट वॉज टफ, बट मुझे ये लहंगा ना 1,000 के ऊपर नहीं बनाना था. आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे ये लहंगा इतने ही चीप रेट में चाहिए, बिकॉज एक बार से ज़्यादा मैं पहनूंगी नहीं. और मैं खुद को चैलेंज करना चाहती थी कि क्या मैं 5,50,000 वाला लहंगा 1,000 में बना सकती हूँ. एंड गेस व्हाट, आई डिड इट. ऑफ कोर्स यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो ये कुछ बहुत ही प्यारा बन के आया होगा एंड दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. और दिस इज़ द डिज़ाइन दैट आई डिड कि हाँ ये ऐसा कुछ दिखेगा, उसका पैटर्न ऐसा कुछ, मुझे कटिंग वगैरह करना पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द फैब्रिक, तो मेरे पास ये फैब्रिक पहले से अवेलेबल था. आई थॉट कि अगर मेरे पास फैब्रिक में इन स्टॉक है और मैं उसको ही रीयूज़ करती हूँ तो मुझे पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे, बट देन आई फेल कि इसको एम्ब्रॉयडर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे और टाइम लगता. इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल. तो आई डिसाइडेड टू मेक अ ब्लाउज फ्रॉम दिस फैब्रिक एंड देन मैं उसको मिरर वर्क का अटैच करूँगी अलग से. एम्ब्रॉयडरी से थोड़ा कम मेहनत लगेगा बट देन अगेन सस्ता हो जाएगा मेरे लिए. तो आई ब्रॉट दिस मिरर्स फॉर द ब्लाउज एंड देन आई गॉट दिस फैब्रिक. तो ये जो फैब्रिक की स्टोरी है आप लोग देखो कि मुझे कैसे मिला. आई सॉ मोस्ट ऑफ द मिरर वर्क फैब्रिक्स इन डिफरेंट टेक्सचर्स एंड डिफरेंट डिजाइंस. मैंने सोचा कि मैं इसको डाई भी कर लूँगी, बट देन आई थॉट कि ये थोड़ा कॉस्टली चला जाएगा. देन मुझे सिमिलर एक फैब्रिक मिला एक शॉप पे, बट ये पूरा सीक्वेंस वर्क था, ऑल ओवर सारा जो प्रिंट है वो सेम था, बट टेक्स्चर अच्छा था फैब्रिक का. तो आई थॉट कि जब कली कट करेंगे तो फ्लेयर अच्छा आएगा. मैंने उसका सेम साइज का मिरर भी ले लिया फॉर ब्लाउज. तो आई गॉट दिस फैब्रिक इन अ वेरी चीप रेट, इट वॉज 150 rupees पर मीटर. एंड वहाँ पे उस शॉप में लकीली 4.5 meter ही अवेलेबल था, तो उसमें से उन्होंने मुझे सिर्फ 4 meter के चार्जेस लगाए. 0.5 meter उन्होंने बोला कि चलो लेके जाओ, एनी वे कट पीस ही बचेगा तो हमारे भी कुछ यूज में नहीं आएगा. तो उन्होंने मुझे 4 meter के ही पैसे लगाए. तो उस हिसाब से मुझे ये फैब्रिक है वो पड़ा 600 rupees में. एंड अबाउट द ब्लाउज का जो फैब्रिक है उसका कॉस्टिंग नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वो इन स्टॉक मेरे पास अवेलेबल था. तो मैंने अपने टेलर से उसको स्टिच करवा के लिया. एंड अबाउट लहंगा मैंने उसे खुद स्टिच किया है, इनफैक्ट मैं अभी भी कर रही हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइनिंग पार्ट एंड कैन एवरीथिंग, वो मुझे मेरे पास अवेलेबल था, बट इफ आई से इट तो मुझे 200 rupees उसके लगे हैं. एंड दैट इज हाउ आई एम मेकिंग दिस लहंगा अंडर ₹1,000. ऑनेस्टली व्हेन आई सॉ इट एंड व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट द लहंगा प्राइस, आई वॉज नॉट रियली इन टू बाइंग इट. बट देन व्हेन आई सॉ द प्राइस एंड आई फेल कि यार मैं तो खुद फैशन डिजाइनर हूँ, इफ आई वॉन्ट टू डिकोड एंड रिक्रिएट समथिंग तो मैं खुद ही कर सकती हूँ. चलो ये ट्राई करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो टू वॉच मोर सच वीडियोस. आई लाइक टू बी एजुकेटेड बट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड. हेलो टू माय लोनलीनेस, आई गेस दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस. टेक मी बैक टू बिफोर द न्यू, रिवाइंड, टेक इट आउट ऑफ क्यू, इनोसेंस कैन बी अ यंग मैन्स गेम. सो मीनवाइल
while you keep watching this video, but I want to tell you about these courses that I'm launching. So basically, these are two workshops that I'm starting from 1st of September. So most of you guys keep asking me that how can start making illustration from scratch, beginning level se. So I'm going to teach you that from scratch. Bahut beginning level pe main sikhaungi how can do it on Adobe Photoshop and on Procreate. So these are the courses I'm launching with an academy on Graphy. ये बहुत helpful होगा उन लोगों के लिए भी जो beginner है, जो fashion student है, और उन लोगों के लिए भी जो fashion designing में उन्होंने कभी admission नहीं लिया, but they want to learn how to do illustrations, how to do designing, specially digital illustrations. So that is what I'm going to teach you in this workshop. ये 1st September को मैं launch करने वाली हूँ, but you can start registering for yourself and 15 August तक आपके लिए offer price में available है. And the second one is about how you can make and start making sizes, how you can do greeting for your brand. Like बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन से sizes रखते हो, आप कैसे sizes figure out करते हो, greeting कैसे करते हो. So basically I have made this size chart for each and every different pattern for my brand. Like मुझे जो भी कोई designing का pattern लगता है तो उनके sizes का मैंने पूरा calculation करके रखा है. आप ये कैसे कर सकते हो, greeting कैसे करनी है, sizes की different sizes कैसे बनाने हैं on different format. तो ये सारी चीज़ें मैं cover करूँगी in that workshop. You will have a full time assistance from my end, and आप कभी भी अगर कोई भी doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हो. Also I am going to provide workshop certificates for both these courses, and there is also this one to one conversation for those also जो कोई भी workshop session attend नहीं कर पाएंगे due to any reason, तो उनके लिए भी एक one to one conversation का जो link है वो मैं नीचे description में दे दूंगी. So if there is anything like you want career assistance, or if you want to talk about fashion designing, making your own brand or trademark or anything, तो आप मुझसे one to one video calling कर सकते हो. We can have a video conversation through that. तो you just have to register for the same and आपकी particular date select कर लो, and that is how you can book a session with me. तीनों जो links है वो मैंने description में दे दी है. I'll see you on 1st of September, those who want to attend the workshop. I personally want to invite you all, if you want to attend a workshop, तो please जाके register करो. After registration आपको सारा जो detail है वो आपके mail पे आ जाएगा. I wish I knew. And that's how this lehenga came out. Thanks for watching this video. I hope you like today's outfit from scratch. मुझे तो बहुत ही पसंद आया है. I'm definitely gonna wear it in a function. I hope you like today's outfit from scratch or a recreated video of outfit. If you like such a videos, then do comment down below and let me know so that I'll make more such a videos. That's it. Thank you so much for watching this video. We'll see you in my next video. Until then, be a reason, someone smile and keep smiling.